नमस्कार साथियों, स्वागत वेलकम आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे रिट लेवल फर्स्ट की एक्सपेक्टेड एंड अनुमानित कट ऑफ की। अतः ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो दिव्यांग है और दिव्यांग होने के साथ साथ वो रिट के स्टूडेंट रहे हैं या रिट लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ है मेंस का, उनके लिए। अब सब कर रहे हैं रिजल्ट का इंतजार। तो रिजल्ट कब भी आएंगे, अब कब आएगा हमें ये पता नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्यांगों की अनुमानित कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रीट लेवल फर्स्ट। हम केवल और केवल बात करेंगे रीट मेंस लेवल फर्स्ट की दिव्यांगों की कट ऑफ क्या रह सकती है अनुमानित। देखिए, मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो नंबर के आधार पर बताऊंगा। 300 नंबर का पेपर है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, आधे ना आधे कर लीजिएगा, नंबर आज कितने सही हो रहे क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। 300 के हिसाब से हम बात करेंगे, 300 नंबर में से इतने नंबर बन रहे तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए साथियों, चार कैटेगरियों में इंक्लूड किया गया है दिव्यांगों को। रिजर्वेशन जो दिया गया है वो चार के हिसाब से दिया गया है, चारों को विभाजित किया गया है। होरिजेंट रिजर्वेशन दिव्यांगों का जो पीएच रिजर्वेशन है, एचआई जिसमें सुनने से प्रॉब्लम दिव्यांगता आती है, बीएलएलवी जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और देखिए एचआई तो हो गया, जिनको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता उनका हो गया। सबसे ज्यादा होती है एलडी कैटेगरी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन चारों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं कह रहा था कि ये जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, ना कि टीएसपी एरिया की। सिर्फ और सिर्फ टीएसपी की बात करेंगे इस वीडियो में हम, और अगर लगेगा हमें हाँ तो टीएसपी की बात करेंगे, लेकिन नॉन टीएसपी दिव्यांगों की ही हम बात करेंगे। देखिए साथियों, मैं जो भी बताऊंगा अपने अनुमान के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन ये विभाग के अलावा कोई नहीं जानता है। देखिए, राजस्थान में 21,000 पदों पर रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, रीट मेंस का 21,000 पदों पर, जिसमें से 1% सीट यानी कि 21,000 की 1% यानी कि 210 सीटें किसकी, एलडी कैटेगरी की। ऐसे ऐसे चारों कैटेगरियों को 210 सीटें सारे दिव्यांगों को आवंटित की गई है। अब उनके हिसाब से उनका कंपटीशन है, जो सबसे ज्यादा अपनी कैटेगरी से लाएगा। जैसे दिव्यांग कोई भी दिव्यांग भाई है, ठीक है ना, और वो एलडी कैटेगरी से है तो उसको अपनी कैटेगरी में नंबर लाएगा, और जिसने ज्यादा नंबर होंगे उनको कट ऑफ में 210 के अंदर ही आना है। क्या हम बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले एचआई की अगर हम बात करें, यानी जिनको आंखों से प्रॉब्लम जो है, हेयरिंग इंपेयरमेंट की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा नहीं बात करें, हेयरिंग इंपेयरमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए 300 नंबर का पेपर होता तो 300 में से ही हम बात करेंगे, है ना। तो आप मान के चलिए कि 300 नंबर का पेपर हो तो मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। 300 में से जिस बंदे के 130 प्लस यहाँ पर हैं, 130 प्लस नंबर जिसके बन रहे हैं एचआई की डिग्री में, वो बिल्कुल श्योर है इतनी कट ऑफ जाएगी। बीएलएलवी की अगर हम बात करें, है ना, कानों से जिनकी प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी आंखों से रिलेटेड रोशनी से प्रॉब्लम जिनकी भी है, तो 120 प्लस का मतलब 120 से लगाकर ऊपर जिनकी भी नंबर है वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन उनका हो रहा है। एचआई की 130 मान के चलो आप, देखना इतनी जाएगी। बीएलएलवी की 120 प्लस नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई भाई कमेंट करेंगे इतने क्वेश्चन, ओ माय गॉड, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, 150 में से क्वेश्चन नहीं, ये नंबर है 300 में से। नंबर के हिसाब से मैं कट ऑफ बात कर रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन की। अब सबसे पहले हम यहाँ पर खास खतरनाक कैटेगरी आती है एलडी कैटेगरी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और एमडी कैटेगरी, ठीक है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलन निश्चितता जो दिव्यांगता है, सबसे ज्यादा कट ऑफ जिसकी जाती है और ज्यादा जा रही है और आगे भी जाती ही रहेगी। तो एलडी और एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुविकलांगता, इन दोनों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, नॉर्मल है ना। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, तो इसकी तो अच्छी खासी ही जाती है, फिर भी आप मान के चलिए, मैं जो देखिए इतनी कट ऑफ जाएगी, कई भाई कहेंगे नहीं, 180 प्लस
ऐसे से ऊपर ऊपर, मैं तो बोल रहा हूँ यार 190 भी जा सकते हैं, 200 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 190 नंबर जिन भाई जा रहे हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो बिल्कुल श्योर है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित नहीं है, नॉट ए। 180 का मतलब हो गया 90 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, यानी कि 180 प्लस नंबर आ रहे हैं, 90-91 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल फाइनल सेक्शन में है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, मल्टीपल डिसेबिलिटी की अगर हमें बात करूँ यहाँ पे नॉर्मल अगर हमें मल्टीपल डिसेबिलिटी की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ है ना नॉर्मल, इसमें कोई गहराई वाली बात नहीं है। एमडी कैटेगरी में जिस भाई की 110 नंबर बन रहे हैं, 110 प्लस नंबर बन रहे हैं, यानी कि 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। एचआई कैटेगरी 130 प्लस हेयर की इम्पेयरमेंट मतलब जो आंखों से रिलेटेड 120 प्लस, एमडी कैटेगरी 110 प्लस और एलडी कैटेगरी 180 प्लस। देखना लेवल फर्स्ट में इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई भाई मान नहीं इतनी नहीं जाएगी, ये था होता, लेकिन 180 प्लस जिसके नंबर बन रहे श्योर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अनुमानित कट ऑफ की बात की थी, हिट लेवल फर्स्ट दिव्यांग हो गई केवल और केवल अनुमानित, ठीक है ना सर। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।